नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इज अर्निंग बाई प्रभाष पे। तो दोस्तों, बहुत सारे दिनों से ये लोग पूछ रहे थे कि सर इन्फोसिस पे एक वीडियो लाइए कि पूरा IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा है लेकिन इन्फोसिस में उस तरीके का मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो जितने लोगों को पहले फंडामेंटल से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देर इज़ अ वेरी गुड फंडामेंटल। क्यों कह रहा हूँ? चूंकि ये स्टॉक हमने 1300 के लेवल पे आपको दिया है और 900 के लेवल पे दिया है, दो बार डायमंड स्टॉक की कैटेगरी में दिया गया है और उसके बाद आपको लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, अभी आपको पता भी चल जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, हाँ थोड़ा अप्स एंड डाउन है, थोड़ी अपडेट्स हैं जिसके बेसिस पे स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलता है, विच इज कॉमनली देखिएगा एक तरीके से एक फैक्टर है कि कोई भी न्यूज़ चलती है तो देन आफ्टर दैट उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे लगातार अभी अगर 5 दिनों से बात करेंगे तो स्टॉक में मूवमेंट कम देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है, करेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। तो एक एक करके सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक के फंडामेंटल। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे 1 मंथ में तो तब भी आपको 5% के रिटर्न बना के दिए हैं, 3 मंथ्स में अगर आप बात करेंगे तो 20% के रिटर्न बना के दिए हैं, 1 साल में 81 और 3 ईयर्स में 139% के। तो कॉन्टिन्यू अगर आपने स्टॉक कभी भी होल्ड करा होगा तो कॉन्टिन्यू आपको यहां से रिटर्न देखने को मिल रहा है और कॉन्टिन्यू जर्नी बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि बैक टू बैक इनकी ऑर्डर बुक फिल होती चली जा रही है और फिल होती चली आ रही है तो आपको पता है जिस तरीके से ऑर्डर के एग्जीक्यूशन आएंगे वैसे ही स्टॉक्स में लगातार कॉन्टिन्यूस मूवमेंट आता रहेगा। बट अब जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा स्लो होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि देखिएगा अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो कॉन्टिन्यू देखिएगा कोई फॉल नहीं देखने को मिल रहा है, लगातार वॉल्यूम अप ही है। अगर आप बात करेंगे मंथली बेसिस पे, अगर आप बात करेंगे वीकली बेसिस पे, अगर आप बात करेंगे यस्टरडे या फिर टुडे, तो यहां पर वॉल्यूम लगातार आपको कॉन्टिन्यू वैसे ही देखने को मिल रहे हैं जैसे पहले देखने को मिल रहे थे। तो वॉल्यूम बने हुए हैं, जहां पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग इसको बाय कर रहे हैं। ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको किन लेवल पे फोकस करना है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको ये लेवल टूट चुका है, यानी 1700 का लेवल यहाँ पे टूट चुका है। तो आपको फोकस करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हैं 1690 और 1670 के आसपास। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉक इसके ऊपर ही रहता है तो आपके लिए केवल और केवल एक रेजिस्टेंस बनेगा 1722 का, अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फॉर ऑल ट्रेडर्स दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं या फिर उन्होंने पहले से ले रखा है। तो लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा करेक्शन पे ही बाय करना है, यानी स्टॉक जब करेक्ट होता है, मार्केट में करेक्शन होता है तभी आपको SIP करनी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है, 3 साल 5 साल के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो डाउट बहुत ही अच्छे लेवल आपको देखिएगा सजेस्ट किए हैं MK ग्लोबल ने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे MK ग्लोबल ने 1900 का टारगेट दिया है, कितना दिया है 1900 का टारगेट आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये क्यों दिया है ये भी उन्होंने बहुत क्लियर मेंशन किया है, बहुत ही क्लियर मेंशन किया है। और सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 1 ईयर का, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड है और 1 साल में ये एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 1900 के लेवल यहाँ पर दिखा देगा। अभी आपको 1698 का भाव चल रहा है और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, चूँकि पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है। और जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप्स में सेलिंग चल रही है तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी फॉर 1 ईयर, आपको आपकी FD से ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन आपको हमेशा करेक्शन पे ही स्टॉक को बाय करना है, SIP करनी है, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना के देते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहले फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, क्वार्टर के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में जो टोटल इनकम में था 6% का अप देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे टोटल इनकम में 6% का अप देखने को मिला था। और अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वहाँ पर 18% का इंक्रीमेंट था। तो आप देख सकते हैं लगातार रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको देखने को मिल रही है डबल डिजिट ग्रोथ। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे या फिर थोड़ा सा ऐसे देखेंगे तो 6% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी टोटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, इसीलिए लगातार कॉन्टिन्यू देखिएगा स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आउट ऑफ द 20 लार्ज
तो दोस्तों आप जैसे कि समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 22 बहुत लार्ज डील है वो ये ऑलरेडी जी चुके हैं, और यहाँ पर आपको देखिएगा ऑलरेडी Q1 में इस पे परफॉर्मेंस भी करना शुरू कर चुके हैं, एग्जीक्यूशन भी आना शुरू हो चुका है। तो कंपनी कौन परफॉर्म करेगी, कौन ग्रोथ लाएगी, कौन सी कंपनी में वैल्यू देखने को मिलेगी, जिस कंपनी के पास काम होगा, जिसकी ऑर्डर बुक अच्छी होगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है, और लगातार कंटिन्यू सबसे आगे रहते हैं बिडिंग में, यानी कि जिस तरीके की बिड होती है तो कंटिन्यू काफी अच्छा एंगेजमेंट देखने को मिलता है, और मोस्ट ऑफ द डील ये जीत भी जाते हैं। 9 वर इन द फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि 9 इसमें से क्या है, फाइनेंशियल सर्विस के लिए है। ग्रोथ इन द BFSI सेगमेंट वॉज लेड बाई द US, द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनमी लेड टू द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द पेमेंट सेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सेक्टर में भी इनका बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से पेमेंट, आपको पता है कि RBI ने भी कहा है कि वी आर गोइंग टू इम्प्रूव, और देखिएगा धीरे धीरे वहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट का भी आपको पूरी तरीके से 2022-23 में आपको बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सारा बेनिफिट ये देखिएगा IT कंपनीज को देखने को मिल रहा है, तो इन कंपनियों को बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अभी प्रॉब्लम क्या आई थी, आपको पता है इनका जो IT पोर्टल है, आपको पता है, तो यहाँ पर IT पोर्टल में ही दिक्कत आई थी, और IT पोर्टल में जो दिक्कत है वो अभी भी बनी हुई है। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको पता है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपील करी थी कि अभी तक पोर्टल सही नहीं हो रहा है, जिससे बहुत सारे इशू आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ITR फिल करके दिखाते नहीं हो तभी तक आपको आगे की प्रोसेस शुरू नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लोन में दिक्कत आ रही है, या फिर बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि जो क्लेम है उनका रिफंड नहीं हो रहा है, यानी कि जो उनके TDS हैं वो रिफंड नहीं हो रहे हैं। तो इस पे ही देखिएगा अभी ये फटकार लगाई है निर्मला सीतारमण ने, और ये देखिएगा 2019 में यानी 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था, जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप समझ ही सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया इसलिए दिया गया था ताकि ये प्रोसेसिंग बहुत ही स्मूथ हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करे, और वो फ्रेंडली हो, यानी कि पोर्टल इतना फ्रेंडली हो कि बहुत अच्छी तरीके से एक नॉर्मल इंसान भी अपना ITR बैठ के फिल कर ले। तो ये चीज़ थी जिसका अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, और जिस पे अगर आप देखेंगे कई सारे ग्लिचेस आ गए थे। प्रोफेशनल टू का ट्विटर सेड दैट द पोर्टल हैड रन इनटू ग्लिचेस टैगिंग फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण। तो इसलिए देखिएगा अभी थोड़ा सा इशू बना हुआ है, जैसे जैसे रिजॉल्व होता है वैसे वैसे देखिएगा इनकी क्रेडिबिलिटी फिर से आती है और स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको बनना है ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्या बनना है आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बाकी जितने लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं उनसे बोलता हूं कि आपको फोकस करना है स्किल्स पे, टैलेंट पे, टेक्निकल्स पे और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे। इन सब पे वर्क करेंगे तभी आप अच्छे मार्जिन निकाल पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको नो डाउट 1900 का लेवल भी देखने को मिलेगा। जितने लोगों के पास ये स्टॉक है उनको होल्ड करने की सलाह है ताकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बना सकें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।